गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने IAM की लैब नंबर 4 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि हम हमारे सर्वर में जो एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी हुई है उसे हम AWS के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट लैब है और YouTube पे अभी तक शायद ही कहीं पे अवेलेबल हो। इस तरीके से पूरे नोट्स मैंने बना दिए हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेहद दिलचस्प लैब ये होने वाली है और अब तक की सबसे एक्सटेंसिव लैब है। अगर ये लैब आपने परफॉर्म कर ली तो आप ये समझिए कि IAM में फिर इससे ज्यादा टफ चीजें नहीं है, टफ टास्क नहीं है। तो बेहद दिलचस्प लैब है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। हालांकि इसका मैं डिटेल लेक्चर अलग से लेकर आऊंगा कभी तफसील में, लेकिन अभी लैब कराने के लिए जो बुनियादी बातें जरूरी है उन्हें हम समझ लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां भी काम करते हैं वहां पर आपको आपके नाम की कंपनी एक ईमेल आईडी बना के देती है। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी मिल जाती है, bhupinder@huawei.com या bhupinder@wipro.in या bhupinder@tcs.in। इस तरीके का कंपनी का अपना एक डोमेन होता है। जितनी ईमेल आईडी होती है वो सब वैसी नजर आती है हर कंपनी में, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे किसी छोटे मोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल में भी अगर आप काम करते हैं तो जनरली जितनी भी ईमेल आईडी उनकी होती है वो इसी डोमेन की आपको नजर आती है। तो हर कंपनी उसके लिए अपना एक डोमेन कंट्रोलर बनाती है जहां पे वो मैनेज करती है। सपोज आप ही कंपनी में 200 एम्प्लॉय हैं तो हर किसी के नाम की आपने एक ईमेल आईडी बना दी, तो वो उस डोमेन में मैनेज हो रही है। उस डोमेन को मालूम है कि इसका पासवर्ड क्या है, ये ईमेल आईडी कनेक्टेड है, इसने क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं इस आईडी के थ्रू, बहुत सारी चीजें काम की होती हैं। एक्टिव डायरेक्टरी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सब का लेखा जोखा, उन सब की बातें, वो सारी डिटेल एक्टिव डायरेक्टरी में हम लोग रखते हैं। तो हर कंपनी के अंदर उसका जो डोमेन कंट्रोलर होता है वो एक्टिव डिवाइसेस की डिटेल अपने पास रखता है, इसीलिए उसकी फुल फॉर्म जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी है। यानी मेरे पास उन सभी एक्टिव डिवाइसेस की डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी किताब जो पहले हमारे पास होती थी, फोन बुक होती थी हमारे पास जिसमें सभी के कॉन्टैक्ट नंबर होते थे। डायरेक्टरी का मतलब बेसिकली डिटेल्स होता है, तो सभी डिवाइसेस की डिटेल हमारे पास होती है। तो ऐसी डिटेल हम विंडो सर्वर में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी सर्वर में, और फाइनली उसे हमें क्लाउड पे लेके जाना है। तो अपने आप में ये दिलचस्प टास्क है, ये कोई इजी टास्क नहीं है बेसिक लैब की तरह, ये एडवांस लैब है, मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप अगर आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आप एक मिनी प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। आप इवन फ्रीलांस काम कर सकते हैं, आप लोगों को उनके डोमेन क्रिएट कर करके दे सकते हैं, क्लाउड पे आप ये काम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो आज उन्हें हमें पढ़ना है। तो आई होप एक्टिव डायरेक्टरी आपको समझ आ गया होगा। इसकी डिटेल में जो लैब है और सॉरी थ्योरी है वो मैं आपको कभी ना कभी फ्यूचर में जरूर अपलोड करूंगा, बट ये लैब मैंने बहुत इजी वे में बनाई है। एक चीज याद रखिएगा इस लैब को करते हुए कि खुद से कोई नया स्टेप ना करें। इस लैब में जो चीज मैं जहां करा रहा हूं वो आपको वहीं करनी है, क्योंकि आप अगर स्टेप्स को चेंज करते हैं तो आपको आउटपुट में गड़बड़ हो सकती है, कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो सकती है, AD आपका क्रिएट ही नहीं होगा या कनेक्ट नहीं होगा सर्वर के साथ। तो मेक श्योर आप पहले एक बार मेरी लैब देख लें, मेरी बातें सुन लें, फिर इस लैब को परफॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है उसमें आने वाला एरर मैंने आगे बोला हुआ हो। तो पहले एक लैब को पहले पूरी देख लें, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम लैब करें तब मेरे को फॉलो करें आप, लेकिन एक बार इस लैब को पहले कंप्लीटली देख लें परफॉर्म करने से पहले, क्योंकि जहां जहां एरर आते हैं वो मैंने बताए हैं वहां पे। तो मेक श्योर, तो देखिए जब हम ये लैब करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक विंडो सर्वर 2012 जो आप 85 बार बना चुके हैं मेरे ट्यूटोरियल्स पढ़ते हुए, वो विंडो सर्वर 2012 आपको बनाना है। जब वो विंडो सर्वर 2012 आप बना लेंगे उसके बाद आप उसे कनेक्ट करें, लेकिन कनेक्ट करने के बाद इस बार इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसका पासवर्ड चेंज करना है लॉगिन करने के बाद। जब आप उस सर्वर में एंटर कर जाएंगे तो सबसे पहले आपको उसका पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करते तो बाद में पासवर्ड आप चेंज नहीं कर पाएंगे AD इंस्टॉल होने के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्टेप मैंने जहां कराया वहां पर करें। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम पासवर्ड चेंज ही ना करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो पासवर्ड आप यहां रखेंगे चेंज करने के बाद ये आपको यहां इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने रेड लाइन कर दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपको डिक्रिप्ट करके मिलता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हो सकता है पेस्ट ना हो पाए या पेस्ट करने में एरर आ जाए या पेस्ट का ऑप्शन ना आए, कई बार ऐसे भी अपडेट हो सकती है AWS की लैब। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पासवर्ड को चेंज कर दें। लैब में मैं आपको बताऊंगा पासवर्ड चेंज कैसे करना है, तो आप जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मैं लैब में
सेम यही स्टेप्स करूंगा, इसी नाम से करूंगा, आप भी इसी नाम से सारी चीजें करते जाएं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद जैसे कि आप हमेशा करते हैं, आप IIS सर्वर वेब सर्वर इंस्टॉल किया करते थे, इस बार आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंस्टॉल करना है ADDS, ठीक है। सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा ऐड रोल एंड फीचर्स में, मैं आपको दिखाऊंगा लैब में, तो आप उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक फॉरेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ये कहां नजर आएगा, एक टॉप पे जब आप जाएंगे ना लैब में तो एक फ्लैग नजर आएगा, वहां पे एक नोटिफिकेशन साइन आएगा, जब आप वहां पे करेंगे तो वहां आपको प्रमोट डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन नजर आएगा, वहां आप क्लिक करें, आपको फॉरेस्ट क्रिएट करना है। ये फॉरेस्ट क्या होता है, ये फॉरेस्ट ही एक्चुअल में ये आपका डोमेन होता है, जैसे huawei.in या wipro.com या wipro.in या samsung.com, ये जो डोमेन होता है ना वो डोमेन को हम फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी जंगल बोलते हैं। उस जंगल के अंदर बहुत सारे ट्री होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, है ना। तो ऐसे ही वो फॉरेस्ट जो है यानी आपका जो ग्रुप है उसको हम इसमें फॉरेस्ट के नाम से डिनोट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये टर्म होती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब है पूरा जो कंप्लीट डोमेन है उसको हमने फॉरेस्ट नाम से डिनोट किया है, ठीक है। जंगल में मत चले जाना, कहीं आप सोचो कि जंगल है हाथी भी होंगे, ठीक है। चलिए यार, तो अच्छी बात है। तो बाकी ये लैब ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप इस लैब को अगर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास तकरीबन 1.5-2 घंटे हो, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। तो आप जल्दबाजी में इस लैब को ना करें, और कम से कम 3-4 बार हो सकता है आपको लैब परफॉर्म करनी पड़े, कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाए। तो मेक श्योर कि आप तसल्ली से बैठें, ठीक है, खा पी के बैठें और अच्छे से इस लैब को परफॉर्म करें। फॉरेस्ट बन जाएगा, फॉरेस्ट आपको लेना है guftgu.in, राइट। अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है तो भैया आप ले लो, नहीं तो आप मेरा ही डोमेन बना लो। पर मेक श्योर कि डोमेन पहले से क्रिएटेड ना हो, क्योंकि लाइव ये बनेगा सब कुछ, तो डोमेन आप ऐसा लें जो थोड़ा सा यूनिक हो, ठीक है। हालांकि इस तरह का एरर ही आपको देगा नहीं, क्योंकि आप प्राइवेट नेटवर्क में बना रहे हैं, तो पर रियल टाइम सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, तो आपका डोमेन यूनिक होना चाहिए। Now go to server manager. Server manager में आपको tools में जाना है, और tools में आपको DNS का option नजर आएगा। आप DNS पे click करें, वहाँ पे आपको दो option नजर आएंगे, forward lookup, reverse lookup, और भी option होंगे, but दो important है जिन पे हमें काम करना है। सबसे पहले आप reverse lookup में जाएंगे, और reverse lookup में जाने के बाद आपके जो server की private IP है वो IP आपको reverse lookup में enter करनी है। उसके भी 3 octet ही आपको enter करने हैं, starting के 4th वाला वहाँ पे option ही नहीं होगा enter करने का। वो रिवर्स लुकअप में एंटर करने के बाद वहां पे आप ओके करेंगे, उसके बाद आप वापस आएंगे, वहां पे आपको डीएनएस में दोबारा फॉरवर्ड लुकअप जोन नजर आएगा। यहां पे आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करना है, और वहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जहां पे इस तरीके से टिक करने का ऑप्शन होगा, अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर, आपको वहां टिक करना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। ये दोनों काम होने के बाद बेसिकली आप ये समझिए कि आपका एडी जो है वो इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी इथरनेट पे डीएनएस का आईपी प्रेफर, जो प्रेफर डीएनएस आईपी है वो देना रह गया है। उसके लिए आप क्या करें, आप अपने रन कमांड में जाएं, रन करने के लिए आपको कीबोर्ड पे विंडो प्लस आठ प्रेस करना है, तो आप अपने इथरनेट सेटिंग में पहुंच जाएंगे। इथरनेट सेटिंग में आईपी वर्जन 4 के अंदर जाएंगे आप उसकी प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे आपको प्रेफर डीएनएस में अपने सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है, आपके विंडो सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है वो वहां पे एंटर करना है। उसे एंटर करने के बाद आपका एडी सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है, अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बची है। वो सारा करने के बाद अब आप दो यूजर बना लें। ये यूजर हम क्यों बना रहे हैं, ये हम टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, ताकि जब फाइनली हमारा AWS के साथ एक कनेक्ट हो जाए तो हम ये चेक कर पाए कि क्या ये सर्वर के यूजर मेरे AWS को एक्सेस कर सकते हैं अगर मैं करना चाहूं, या नहीं कर सकते हैं, कि हमें टेस्ट करना है। एक्चुअल में अगर रियल टाइम सिनेरियो में देखें तो आप कुछ ऐसा समझे कि आपकी कंपनी का बंदा, उसका सर्वर और उस सर्वर से जुड़े हुए बंदे वहां AWS से कनेक्ट है, AWS की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी के ये 4 employee मेरे EC2 instances पे काम करेंगे, तो ये AWS का EC2 instance का एक्सेस मैं इन्हें दे दूं, ये जो 4 employee हैं ये स्टोरेज पे काम करते हैं, इन्हें स्टोरेज का एक्सेस मुझे देना है, ये जो 4 employee हैं ये मेरे किसी और बिलिंग पे काम करते हैं, इन्हें बिलिंग का एक्सेस मुझे देना है, तो वो सारे एक्सेस आप दे सकते हैं उन्हें क्लाउड के ऊपर। तो इससे पहले की जो हमने लैब करी थी वहां हमने IAM के अंदर बनाया था, बट यहां वो क्लाउड पे नहीं है, वो क्लाउड से बाहर है, वो किसी दूसरे सर्वर में पड़े हैं, और फिर भी वो सर्वर के यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो उसके लिए हमने यहां पे जो रोल बनाएंगे वो हम डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए बनाएंगे, ठीक है।
अब आप दो यूजर क्रिएट कर लें मदन और विकास के नाम से, इनका पासवर्ड आप india@123 दे दें, मैंने यही लैब में मैं लूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ assumptions किए हैं नाम के पासवर्ड के, तो ये मैं लैब में सेम लूंगा, मैंने कोशिश यही करी है मैं वही चीजें फॉलो करूं। नाउ गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, सर्वर का सारा काम हो गया, अब आप सर्वर को मिनिमाइज कर दें, उसके बाद वापस अपने AWS अकाउंट पे जाएं और वहां पे जाने के बाद आप डायरेक्टरी सर्विसेज को सर्च करें। वहां सर्च करने के बाद आपको चार ऑप्शन नजर आएंगे, उनमें एक ऑप्शन होगा AD कनेक्टर का, आपको AD कनेक्टर सिलेक्ट करना है ताकि एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट हो सके। AD कनेक्टर में भी आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का। आप स्मॉल सिलेक्ट करें क्योंकि हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में 5000 यूजर तक आप बना सकते हैं और लार्ज में 75000 यूजर तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपके सर्वर पे AD पे पड़े हुए हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब DNS कॉन्फ़िगर करेंगे या डायरेक्टरी सर्विसेज में आप जाके जब AD कनेक्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो डायरेक्टरी DNS नेम, ये आपको वही रखना है जो आपने फॉरेस्ट का रखा है, फॉरेस्ट का नाम मैंने रखा है, डोमेन रखा है guftgu.in, तो वही आपको यहां पे लेना है। उसके बाद आपको DNS का IP क्या लेना है, सर्वर का प्राइवेट IP आपको यहां पे डालना है। उसके बाद यूजर नेम आप बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे क्योंकि ये डिफॉल्ट यूजर नेम है, चेंज किया जा सकता है बट आप अभी ना करें, आप डिफॉल्ट लेकर चलें। एक चीज और बता दूं, पासवर्ड में एडमिन पासवर्ड नहीं रख सकते, इसीलिए सर्वर का भी पासवर्ड आप एडमिन ना रखें, यहां पे पासवर्ड एडमिन या admin@123 ना रखें, क्योंकि यहां पे एडमिन या एडमिन शब्द नहीं आना चाहिए पासवर्ड के अंदर, ये कंडीशन है यहां पे AD कनेक्टर की, तो आप पासवर्ड उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, वो पासवर्ड सेम होना चाहिए। तो यहां कौन सा पासवर्ड डालना है, जो मेरे सर्वर का पासवर्ड होगा वो आपको यहां डालना है, मैंने चेंज किया था वहां पे, तो वो आप यहां पे डालें। उसके बाद आपने IAM में जाना है, रोल क्रिएट करना है, रोल में आप डायरेक्टरी सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे इस बार और वहां पे EC2 फुल एक्सेस का एक रोल क्रिएट करेंगे। सिमिलरली एक रोल आप क्रिएट करेंगे बिलिंग के लिए, तो दो रोल क्रिएट होने के बाद अब आपने कहां जाना है, आपने मदन और विकास को ऐड करना है। मदन और विकास को ऐड करने के लिए आप डायरेक्टरी सर्विसेज में जाएं और वहां पे बिलिंग आपको और EC2 फुल एक्सेस का रोल नजर आ रहा होगा नीचे, उन दोनों में जाके एक एक यूजर आप ऐड कर दें, एक में मदन को ऐड कर दें, एक में विकास को ऐड कर दें। अब आपको एक URL मिलेगा guftgu.in करके, ठीक है, आपको guftgu.in करके एक URL मिलेगा, वो URL कॉपी करना है, अपने ब्राउजर में ओपन करना है /console लिखने के बाद, और आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है। यूजर नेम में आप मदन या विकास कोई भी डालें और उनका पासवर्ड मैंने india@123 लिया है, यहां पे कहीं लिया होगा, ये रहा india@123, ये एंटर करें और आप लॉगिन करें, आप देखेंगे लॉगिन हो पा रहे हैं, तो यानी एक बाहर पड़ा हुआ सर्वर मेरे क्लाउड से एक्सेस हो रहा है। बहुत अच्छी लैब है, दिलचस्प लैब है। तो एक शायर ने एक शेर कहा था ना कि सभी किरदार थककर सो रहे हैं, मगर अब तक कहानी चल रही है। तो ऐसा ना हो कि यार आप सो रहे हो और अभी तो आगे बहुत सारी कहानी आपको करनी है, तो वो क्या, और आने वाले जो अब लैब है ना वो थोड़ी मुश्किल है, और उसके लिए एक शेर ये है कि हंसी मजाक की बातें यहीं खत्म हुई, हंसी मजाक की बातें यहीं खत्म हुई, आगे की कहानी रुलाने वाली है। तो इसीलिए जो लैब है वो टफ है, आप फोकस करके करें नहीं तो मसला हो सकता है। तो अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ और देखते हैं कि ये सारे स्टेप्स कैसे होंगे। तो आ गए अपनी लैब के ऊपर, आप सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करिए और यहां पे EC2 पे क्लिक करिए। यहां हमें एक इंस्टांस क्रिएट करना है तो हम रनिंग इंस्टांस पे क्लिक करते हैं, यहां पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए, यहां आप विंडो सर्वर 2012 सिलेक्ट करिए, यहां आप इसे T2 माइक्रो रखिएगा क्योंकि यही फ्री टीयर एलिजिबल है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, सबको डिफॉल्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और ये लैब आप नॉर्थ वर्जीनिया में ही करिएगा क्योंकि कुछ रीजन में इश्यूज आते हैं कई बार, यहां पे डिफॉल्ट रहने दीजिए स्टोरेज को, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, टैग भी रहने दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, सिक्योरिटी ग्रुप आप इसको दे दीजिए माई न्यू SG, और यहां पे आप ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए, एनीवेयर पे क्लिक करिए, RDP रहने दीजिए, यहां एनीवेयर पे क्लिक करिए, हालांकि RDP की जरूरत नहीं क्योंकि ऑल ट्रैफिक ऑलरेडी अलाउ कर दिया है। रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करिए, लॉन्च पे क्लिक करिए,
यहां एक नया की पेयर बना लीजिए जिसको नाम दीजिए माय न्यू की पेयर फॉर एडी। डाउनलोड करिए, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए, यहां व्यू इंस्टांस पे क्लिक करिए। ये लॉन्च हो रहा है, तकरीबन दो तीन मिनट लगेंगे। यहां पे इसको नाम दे देते हैं एडी सर्वर। एक बार ये लॉन्च हो जाए फिर हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो हमारा सर्वर रेडी हो गया है, अब हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहां से आरडीबी फाइल डाउनलोड करते हैं, पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेते हैं गेट पासवर्ड पे क्लिक करके। यहां पे फाइल चूज करिए माय न्यू की पेयर, इसको डिक्रिप्ट करिए। इस पासवर्ड को कॉपी करके नोटपैड पे भी लिख लीजिए और मिनिमाइज कर लीजिए, क्लोज करिए। आरडीबी फाइल को ओपन करिए, यहां से कनेक्ट पे क्लिक करिए। यहां पासवर्ड पेस्ट करिए कंट्रोल वी करके, ओके करिए। यस पे क्लिक करिए। यहां अब आप सबसे पहले इसका पासवर्ड चेंज करिए, उसके लिए आपको यहां स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, यहां कंट्रोल पैनल में जाना होगा। यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा यूजर अकाउंट, आप यहां पे चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करिए। यहां एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करिए, यहां चेंज द पासवर्ड पे क्लिक करिए। यहां जो आपका पासवर्ड है जो आपको मिला है डिफॉल्ट, जो आपने अभी डिक्रिप्ट करा है, एक मिनट, ये दो बार पेस्ट हो गया है, इसे पेस्ट करिए। और यहां एक खुद का पासवर्ड रखिए भूपिंदर एट द रेट 123। यहां इसे रिटाइप करिए भूपिंदर एट द रेट 123। इसका रीजन ये है कि यही पासवर्ड आपको एडी कनेक्टर जब आप बनाओगे तब वहां पर डालना पड़ेगा, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो भी बनाए वो आपको याद रखना है और वही आपको आगे यूज करना है। आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिए, पासवर्ड आपका चेंज हो गया है। आप चाहे तो अपने डिवाइस का नाम जो आपको यहां नजर आ रहा है होस्ट नेम विंडो समथिंग करके, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप सर्वर मैनेजर पे क्लिक करें, यहां पे आप लोकल सर्वर पे क्लिक करें, यहां आपको कंप्यूटर नेम नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करें। यहां आप चेंज पर जब क्लिक करेंगे तो यहां आप जो भी नाम डालेंगे वो नाम चेंज हो जाएगा। बट अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये करने पर हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा और दो दो बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अभी और एक बार हमें एडी के बाद करना पड़ता है। तो मैं अभी इसे नहीं करके दिखा रहा हूं, बट आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप डैशबोर्ड पे यहां क्लिक करें सर्वर मैनेजर में, यहां एड रोल एंड फीचर्स पे आप जाएं, यहां पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, रोल बेस्ड पे रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहां सेकंड नंबर का ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये आपको इंस्टॉल करना है इस सर्वर में, तो इसे सिलेक्ट करें, ऐड फीचर्स पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। यहां पे मैंने रीस्टार्ट का एक ऑप्शन था वो मैंने टिक नहीं किया, तो अब मुझे क्या करना होगा, ये सारा काम करने के बाद इसे एक बार खुद से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहां आप क्लोज पे क्लिक करें इंस्टॉल होने के बाद। यहां आपको देखिए एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा यहां पे इस फ्लैग के साथ में, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां एक ऑप्शन नजर आएगा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, तो आप यहां क्लिक करें। यहां एक नया फॉरेस्ट हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि एक नया डोमेन हम बनाना चाहते हैं और उस डोमेन का नाम कुछ नया ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूं भाई guftgu.in, ये मैं एक डोमेन बना रहा हूं अपनी कंपनी के लिए, जैसे इंडिया में tcs.com होता है या .in होता है, wipro.in होता है, तो हम लोग guftgu.in बनाना चाहते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके लिए मुझे एक पासवर्ड देना पड़ेगा रीस्टोर मोड के लिए, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो मैं उसे रीस्टोर कर सकूं। तो इसके लिए पासवर्ड दे रहा हूं india@123 और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां नेट बायोस में आपको वही नाम नजर आएगा जो मैंने डोमेन में दिया है, गुफ्तगु आपको यहां पे लिखा नजर आएगा कैपिटल लेटर में, ये देखिए नजर आ गया है। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहां पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। देखिए यहां पे ऑल प्री रिक्विजिट चेक्स पास सक्सेसफुली,
अगर इसके अलावा आपके पास कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब आप उसे प्रॉपरली नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे, बेटर होगा कि आप इस लैब को दोबारा परफॉर्म करें। स्टेप सेम है, कोई इश्यू नहीं है, बट हो सकता है कहीं कुछ हल्की फुल्की गलती आपसे बाय मिस्टेक हो गई हो, तो मेक श्योर कि आपके पास भी यही नोटिफिकेशन आ रहा हो पास सक्सेसफुली, उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। दिस कंप्यूटर इज बीइंग रीस्टार्टेड बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज वाज इंस्टॉल्ड और रिमूव्ड, क्लोज पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है इसीलिए मेरा जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया है। तो तकरीबन 4 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आप कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रीस्टार्ट हो रहा है। तो 4 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे आरडीपी के थ्रू। ओके, तो तकरीबन 4 मिनट के बाद मैं अभी से आरडीपी पे क्लिक कर रहा हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड मैं चेंज कर चुका था तो मुझे चेंज पासवर्ड डालना होगा Bhupinder@123। तो आपने जो भी पासवर्ड चेंज किया है याद रखिएगा, वही आपको यहाँ एंटर करना है। ओके पे क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए, ये मेरा सर्वर ओपन हो गया है। इसके बाद सर्वर मैनेजर पे क्लिक करिए। सर्वर मैनेजर में राइट साइड में आपको टूल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां आप क्लिक करिए। यहां डीएनएस पे आप क्लिक करिए, डीएनएस में आपको आपका सिस्टम नजर आ रहा होगा। मैंने इसका नाम नहीं बदला है इसलिए इसका डिफॉल्ट नेम दिखा रहा है। इसको आप एक्सपेंड करिए तो यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ रिवर्स लुकअप पे क्लिक करिए, यहाँ इस पर राइट क्लिक करिए रिवर्स लुकअप पे जाके, तो न्यू जोन क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्लिक करिए न्यू जोन पे। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, प्राइमरी जोन बनाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन Guftgu.in, तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ नेटवर्क आईडी देनी है तो आपको अपने सर्वर की प्राइवेट आईपी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो कि मेरी है 172.31.85। चौथा ऑक्टेट जो है, जो 50 यहाँ पर है, वो लिखने का ऑप्शन यहाँ नहीं है। देखिए आप सिर्फ 3 ऑक्टेट ही फिल कर पाएंगे और आपको 3 ही करने भी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। Allow only secure dynamic updates, next पे क्लिक करिए, finish कर दीजिए। इसके बाद forward lookup zone पे क्लिक करिए, यहाँ आपको आपका domain नजर आ रहा होगा Guftgu.in, इस पे क्लिक करिए। यहाँ करते ही यहाँ आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, इसमें last में आपको आपका server नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करिए और right क्लिक करिए, properties में जाइए, यहाँ पे update associated pointer पे टिक कर दीजिए, apply करिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दें, आपका ये काम हो गया है। इसके बाद आपने कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर प्रेस करना है तो रन आपका ओपन हो जाएगा। यहां आप लिखिए ncpa.cpl और ओके पे क्लिक करिए। यहां आपको इथरनेट नजर आ रहा है आपके डिवाइस का, इस सर्वर का, इस पे डबल क्लिक करके ओपन करिए। यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, ओपन करिए। यहां आपको आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 दोनों नजर आ रहे हैं। आईपी वर्जन 6 हमें इस्तेमाल नहीं करना है इसलिए इसको अनटिक कर दीजिए और आईपी वर्जन 4 को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करिए। यहां पे आईपी वर्जन 4 में आपको इसका डीएनएस क्या देना है, ये प्राइवेट आईपी आपको देनी है। तो यहां ये अभी लूप बैक एड्रेस था जो यहां पे डला हुआ है, इसे हटा के आपने इसकी प्राइवेट आईपी देनी है 172.31। ये सर्वर की प्राइवेट आईपी है मेरे 85.50, राइट? तो ये मैंने दे दी है इसको। ओके पे क्लिक करिए, ओके करिए, क्लोज करिए और ये भी आपका हो गया। तो आपने प्राइवेट आईपी भी दे दी। अब आप एक काम करें, आप विंडो प्लस आर दबाएं, यहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और ओके पे क्लिक करें। यहां एक बार चेक कर लेते हैं, एनएस लुकअप, परफेक्ट, मेरा डिफॉल्ट सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। देखिए मेरे डिवाइस का नाम आ रहा है डॉट, मेरा डोमेन आ रहा है Guftgu.in। अगर इसकी जगह अननोन लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपका सर्वर एडी सर्वर जो आपने इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ज़्यादा दिमाग मारने से अच्छा है कि आप ये लैब दोबारा करें, क्योंकि इस लैब में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर यहां आपका अननोन आ रहा है या एड्रेस में आईपी एड्रेस नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका एडी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है।
तो बेटर है आप उसे दोबारा इंस्टॉल करें एक नया सर्वर बना के। अगर कोई एरर नहीं आ रहा है और आपको भी आपका डोमेन नजर आ रहा है और आईपी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे के स्टेप करते हैं। आप सर्वर मैनेजर पे क्लिक करिए, यहाँ टूल्स में जाइए, यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो इस पे आप क्लिक करें। यहां आपको आपका डोमेन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। इस डोमेन में आपको यूजर नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें और इसको राइट क्लिक आप करके यहाँ पे न्यू यूजर बनाने हैं तो न्यू पे क्लिक करें और न्यू में जाके आप यहाँ यूजर पे क्लिक करें। तो मैं दो इस एडी के अंदर दो यूजर बना रहा हूं। पहला मैं बना रहा हूं मदन और इसका लोगोन नेम भी दे रहा हूं मदन, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। इसका पासवर्ड है india@123। यहां पे जो इसका पासवर्ड है वो है india@123। ये पासवर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बाद में आपको जब लॉगिन कर मैं दिखाऊंगा तब आपको इसे याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे ये आप अनटिक कर दें ताकि उसे चेंज करने का ऑप्शन ना मिले, हमें परेशानी ना हो लैब करते टाइम टेस्टिंग के टाइम। तो यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, दोनों पे टिक कर रहा हूं फिलहाल मैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मदन मेरा एक यूजर बन गया है। तो मैं मिनिमाइज करके नोट पैड पे लिख भी लेता हूं, यहां पे मैंने जो यूजर बनाया है वो बनाया है मदन और इसका पासवर्ड है india@123। और मैं दूसरा जो यूजर बनाऊंगा वो मैं अभी लिख देता हूं विकास, और उसका पासवर्ड भी होगा india@123। तो ये दो मैं बना रहा हूं। तो दोबारा सर्वर पे चलते हैं, एक और यूजर बनाते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं यूजर पे जाके, न्यू पे जाते हैं, यहां यूजर पे क्लिक करते हैं और इस बार नाम देते हैं विकास, लोगोन नेम देते हैं विकास, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड देते हैं india@123, यहां पर पासवर्ड देते हैं india@123, इसको अनटिक कर दीजिए और इन दोनों को टिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिनिश करिए। तो दो यूजर मैंने बना लिए, एक मदन और एक विकास। तो ऑलमोस्ट मेरा काम पूरा हो चुका है, एडी सर्वर मेरा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैंने टेस्ट भी करके देख लिया है। अब हम अपने इसको मिनिमाइज करते हैं और AWS पे चलते हैं, यहाँ सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ये मेरे पास आ जाएगा डायरेक्टरी सर्विसेज, इस पे क्लिक करना है आपको। आपको कुछ इस तरीके का डायरेक्टरी सर्विसेज नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको अभी ये मैंने बनाया था पहले तो ये मुझे नजर आ रहा है, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं अगर ये हो जाता है तो। अब ये दिखा नहीं रहा है, इनऑपरेबल दिखा रहा है। तो आपको यहाँ सेटअप डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, एडी कनेक्टर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, जहां पे हम मैक्सिमम कितने यूजर ले सकते हैं आप दे सकते हैं, आप मैक्सिमम 5000 यूजर क्रिएट कर सकते हैं इस एडी के अंदर। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पे आपको कितने यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ 75,000 यूजर तक आप क्रिएट कर सकते हैं, जबकि पहले ये जो वैल्यू थी ये 50,000 थी, अब इन्होंने इसे एक्सटेंड करके 75,000 कर दिया है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में 75,000 यूजर ये एडी सपोर्ट कर सकता है एडी कनेक्टर, और स्मॉल में ये 5,000 तक। तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं तो स्मॉल वाला ले लेते हैं, थोड़ी सी बिलिंग लगेगी इसकी अगर लगनी होगी, नेक्स्ट करते हैं, हालांकि पैसे आपके नहीं कटेंगे डोंट वरी। ये डिफॉल्ट रहने दें, आप वीपीसी डिफॉल्ट रहने दें, सबनेट को कोई प्रेफरेंस ना दें, अपने आप ये ले लेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ जो डीएनएस नेम देना है वो आपको वही देना है जो वहां आपने डोमेन नेम दिया है guftgu.in, राइट। इसके बाद कॉर्प में आप कुछ ना दें। डीएनएस आईपी आपको क्या देना है, सर्वर की प्राइवेट आईपी। तो सर्वर की प्राइवेट आईपी है 172.31.85.50, तो यहाँ पे दे दें आप 172.31.85.50, सही है ना। तो ये मैंने इसको प्राइवेट आईपी दे दी है। इसके बाद अनदर डीएनएस सर्वर की ऑप्शनल है, ये देने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नेम आप जो इसका डिफॉल्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो यही आप दें एडमिनिस्ट्रेटर, बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड ये आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पासवर्ड कौन सा आएगा, जो मेरे सर्वर का पासवर्ड है। क्या पासवर्ड है, bhupinder@123, ये ही पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, bhupinder@123, जो मैंने वहां मेरे विंडो सर्वर का पासवर्ड दिया है। तो ये आप देंगे तभी ये कनेक्ट होगा, नहीं तो ये एरर देगा। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें,
शायद ये कुछ गलत टाइप हो गया है, भूपिंदर एट द रेट 123। नेक्स्ट पे क्लिक करें, सब कुछ हो गया है, क्रिएट डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं। इस डायरेक्टरी को क्रिएट होने में 5 मिनट लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट, तो थोड़ा वेट करते हैं। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो स्टेटस मुझे एक्टिव नजर आएगा। अगर आपको फेल्ड नजर आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या एरर है, तो यहाँ पे एक्टिव नजर आना चाहिए। तो अगर आपने मेरी लैब को एज इट इज फॉलो किया है जैसे मैं बता रहा हूँ तो फिर एरर नहीं आएगा। तो 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद ये एक्टिव एक बार आ जाए तो आगे का काम हम लोग करते हैं। तो ये मेरी जो डायरेक्टरी है ये एक्टिव हो गई है, देखिए। अब इसके बाद मुझे इस डायरेक्टरी को क्लिक करना है यहाँ पे। यहाँ मुझे कुछ डिटेल्स नजर आ रही हैं, रिफ्रेश करते हैं क्योंकि स्टेटस क्रिएटिंग दिखा रहा है, एक्टिव हो गया है। यहाँ पे दो सबनेट हैं, अवेलेबिलिटी जोन जो है, ये जो दो अवेलेबिलिटी जोन है, ये मेक श्योर की जो सबनेट है वो दोनों अलग अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए। यहाँ पे 1B और 1C इसने अपने आप ले लिए हैं, अगर आप खुद से ले रहे हैं तो मेक श्योर की ये दोनों अलग अलग हो। एक चीज और कि जो पासवर्ड है उसमें एडमिन वर्ड आपका नहीं होना चाहिए, एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर आप पासवर्ड नहीं ले सकते। अगर आपने वो लिया है तो वो एरर देगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एडमिन को पासवर्ड में नहीं लेता है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें आपको कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो अभी इन्हें हम वन बाय वन करेंगे। तो इससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले चलते हैं सर्विसेज में। अच्छा एक चीज और, जो लोग इस लैब को कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका IAM एक्टिवेट ना हो, तो उसके लिए आप अपने यहाँ पे जाएं मेन अकाउंट में, माय अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ माय अकाउंट में आप नीचे की तरफ आएं और यहाँ पे IAM रोल एक्सेस टू बिलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करें, ये एक्टिवेट आपका होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो इसे टिक करके अपडेट कर दें आप। मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है तो मुझे कोई इशू नहीं है, तो ये आपका होना चाहिए, मेक श्योर। इसके बाद आप दोबारा सर्विसेज में जाएं और अपने डायरेक्टरी सर्विसेज में आ जाएं या IAM में आ जाएं। आप IAM पे क्लिक करें क्योंकि अब हम एक रोल बना लेते हैं, पहले दो रोल हमें क्रिएट करने हैं। तो आप रोल पे क्लिक करें, यहां पे आप क्रिएट रोल पे क्लिक करें और क्रिएट रोल में आपने यहां नीचे से सिलेक्ट करना है, और क्या सिलेक्ट करना है, डायरेक्टरी सर्विसेज आपको सिलेक्ट करना है। आप इसे सिलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट परमिशन पे क्लिक करें। यहां अभी आपसे पूछेगा कि भैया आप क्या परमिशन देना चाहते हैं इस रोल को, तो मैं कहता हूं कि इसको परमिशन दे दो EC2 फुल एक्सेस, कि ये जो बंदा है जिसको मैं ये रोल दूंगा वो EC2 को फुल एक्सेस कर पाए। तो इसे सिलेक्ट करिए आप और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। टैग अभी मत दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। रिव्यू में रोल नेम दे दीजिए EC2 फुल एक्सेस 1, ठीक है, क्योंकि एक पहले से बना हुआ था तो शायद एरर देगा ये, तो मैंने इसलिए 1 लिख दिया। यहां पे आप क्रिएट रोल पे क्लिक करें, तो मेरा एक रोल क्रिएट हो गया है जो बंदा फुल एक्सेस कर सकता है, जिसको भी मैं इसके अंदर डालूंगा, जिस भी यूजर को एक्टिव डायरेक्टरी के, वो EC2 को एक्सेस कर पाएगा, राइट। क्योंकि यहां पे मैंने सर्विस क्या ली है, डायरेक्टरी सर्विसेज ली है, तो डायरेक्टरी के अंदर जितने भी बंदे पड़े होंगे, मैंने 2 बंदे बनाए हैं वहां पे, एक मदन और एक विकास, तो अगर मैं उन्हें EC2 फुल एक्सेस रोल प्रोवाइड कराऊंगा तो वो EC2 को एक्सेस कर पाएंगे। अब मैं एक और रोल क्रिएट करता हूं और इस बार मैं इसको रोल देता हूं बिलिंग का। तो यहां पे दोबारा जाते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज में और यहां नेक्स्ट परमिशंस पे क्लिक करते हैं, और इस बार इसे हम परमिशन देते हैं कि ये बंदा बिलिंग की इंफॉर्मेशन चेक कर सके। तो यहां बिलिंग पे टिक करें और नेक्स्ट क्लिक करें, यहां टैग नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको नाम दे दें बिलिंग यूजर। यहां पे क्रिएट रोल क्लिक करें, तो ये मेरा बिलिंग वाला एक और रोल क्रिएट हो गया। तो 2 रोल मैंने क्रिएट कर दिए, EC2 फुल एक्सेस 1 और बिलिंग यूजर, मेरे 2 रोल क्रिएट हो गए। हमें हमारी डायरेक्टरी सर्विसेज पे जाना होगा, तो डायरेक्टरी सर्विसेज पे क्लिक करिए। यहां मैंने जो डायरेक्टरी सर्विसेज बनाई है अभी guftgu.in, इस पे क्लिक करिए तो इसकी डिटेल आ जाएंगी। यहां आप नीचे जाइए और यहां एप्लीकेशन एक्सेस URL आ रहा है, इसे आप क्रिएट करिए और यहां इसको नाम दे दीजिए Guftgu, क्योंकि जो डोमेन आपने लिया है वही नाम आपको यहां देना है, कुछ नया नहीं देना है। तो मैंने guftgu.in बनाया है, तो यहां मुझे Guftgu टाइप करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा।
क्योंकि इसी यूआरएल के थ्रू मेरा यूजर जो है, ये जो यूआरएल है इसी के थ्रू वो एक्सेस करेंगे, राइट। तो ये मेरा यूआरएल क्रिएट हो गया है। इसके बाद अब मुझे मेरा ये जो यहाँ पे मैनेजमेंट कंसोल है इसे भी एक्टिव करना पड़ेगा, तो यहां मैं इसे इनेबल करूंगा AWS मैनेजमेंट कंसोल को। दिस फीचर इज करंटली डिसेबल, तो इसे इनेबल करिए, यहां पे इनेबल पे क्लिक करिए। ये मेरा इनेबल हो गया है। अब इनेबल होते ही मेरे दोनों रोल यहां पे मुझे नजर आ रहे हैं। इस रोल पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पे यूजर कोई नजर नहीं आ रहा है, तो मैं यूजर यहां पे ऐड करूंगा जो मेरे एडी में वहां सर्वर में मैंने बनाए हुए हैं, विंडो सर्वर में। अब देखिए आप, इंटरेस्टिंग बात यही है कि अब ये कनेक्ट हो चुका है वहां से, क्योंकि अब मैं यहां पर जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा और वो जो यूजर मैंने वहां बनाए हैं उस फॉरेस्ट के अंदर, देखिए guftgu.in के अंदर मैंने सपोज वहां पे मदन बनाया, तो मैं खाली एम टाइप करता हूं, ये मुझे आउटपुट में बता देगा कि मदन नाम से कोई है कि नहीं है। तो ये देखिए मदन आ गया एम टाइप करते, तो मैं मदन को यहां पे ऐड कर देता हूं। तो मैंने मदन को ऐड कर दिया है बिलिंग यूजर के अंदर। अब मैं एक दूसरा यूजर बनाता हूं जो मैं बनाता हूं EC2 में, तो मैं वापस जाता हूं यहां पे और अब मैं यहां EC2 फुल एक्सेस पे क्लिक करता हूं। अभी यहां पर भी देखिए डेलीगेटेड यूजर यहां तो एक हो गया क्योंकि वो मैंने वहां मदन बनाया है और वो यहां नजर आ रहा है, पर इसके अंदर अभी जीरो नजर आ रहा है। तो इस पे चलते हैं EC2 फुल एक्सेस पे, यहां पर ऐड पे क्लिक करते हैं और मैंने क्या नाम दिया था यूजर का, विकास। तो मैं यहां पे VI लिखता हूं, देखिए यहां पे सर्च हो जाएगा, विकास आ गया और वो किस फॉरेस्ट का है, किस डोमेन नेम का है, guftgu.in का। इसको ऐड कर देते हैं इसके साथ, तो ये दोनों मेरे जो है AD कनेक्टर के थ्रू AWS से कनेक्ट हो गए हैं। तो हमारी लैब परफेक्ट हो गई है। तो मेरे दोनों यूजर कनेक्ट होने के बाद मैं डायरेक्टरी पे वापस जाता हूं, यहां इस डायरेक्टरी पे क्लिक करता हूं और यहां मुझे डायरेक्टरी का एप्लीकेशन एक्सेस URL नजर आ रहा है, ठीक है। इस URL को आपने टाइप करना है और स्लैश कंसोल आपको लगाना है अगर आप मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कंसोल एक्सेस करना है, तो आप यहां पे इस URL को कॉपी करें, कंट्रोल सी करें और इसे नॉर्मल टैब में ओपन ना करें क्योंकि एक साथ दो जगह ही ओपन नहीं होगा। तो आप इनकॉग्निटो मोड में जाएं, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, और यहां इसे पेस्ट कर दें और स्लैश कंसोल आप लिख दें क्योंकि आपने कंसोल में एक्सेस करना है। आप स्लैश कंसोल पे टिक करें, ये देखिए परफेक्टली मेरा ये कंसोल के थ्रू लॉगिन हो गया है। मैं यहां पे मदन टाइप करता हूं और उसका पासवर्ड मैंने दिया था india@123, अगर आपको याद हो मैंने नोटपैड पे भी लिखा था। ये देखिए, तो यहां मैं साइन इन करता हूं, परफेक्ट। तो मेरा ये लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं बिलिंग यूजर के अंदर मदन लॉगिन हो चुका है और मैंने मदन को क्या एक्सेस दिया है, बिलिंग यूजर, देखिए नाम में भी नजर आ रहा है। तो यानी ये बंदा सिर्फ बिलिंग एक्सेस कर सकता है और कुछ नहीं कर पाएगा। आप सर्विसेज पे जाइए, S3 एक्सेस करने की कोशिश करिए, तो देखिए एक्सेस डिनाई आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये S3 को एक्सेस नहीं कर सकता, ये कोई भी सर्विस यहां पर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसको बिलिंग की परमिशन दी है। तो हम बिलिंग में चलते हैं, तो क्या ये बिलिंग चेक कर सकता है, माय बिलिंग डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो ये देखिए ये बिलिंग डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहा है। इसके अलावा और कोई काम ये बंदा नहीं कर सकता। तो मदन को हमने जो परमिशन दी थी वो कर पा रहा है, साइन आउट करते हैं। यहां पे आपको वही अपना जो डोमेन है वो आपको पेस्ट करना है, स्लैश करके कंसोल आपको लिखना है और एंटर करना है। अब की बार मैं मदन की जगह यूजर डालता हूं विकास, पासवर्ड इसका वही है india@123 और साइन इन करता हूं, परफेक्ट है, विकास भी ओपन हो गया। अगर ओपन होते टाइम कोई एरर आए तो आप इस पे टिक करके दोबारा से एक बार URL को एंटर कर दें रिफ्रेश करके, तो ये हो जाएगा। कुछ कई बार एरर देता है पहुंचने में यूजर तक, तो कोई इशू नहीं है, आप यहां पे इसको रिफ्रेश करके एक बार दोबारा से URL एंटर करें। यहां पे देखिए विकास को मैंने EC2 को एक्सेस दिया है, तो क्या ये बिलिंग चेक कर पाएगा, मैं बिलिंग पे चलता हूं, माय बिलिंग डैशबोर्ड, ये बिलिंग चेक नहीं कर सकता, यू नीड परमिशंस, लेकिन ये EC2 में सब कुछ कर सकता है। आप EC2 पे क्लिक करें, यहां पे टेस्टिंग के लिए मैं वॉल्यूम बना के देख लेता हूं, तो वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं और साइज इसका 10 GB ले लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं, क्लोज करते हैं। देखिए वॉल्यूम मेरा क्रिएट हो गया है, यानी ये EC2 के अंदर सब कुछ कर सकता है। देखिए मेरा वॉल्यूम बन गया है, तो इसका मतलब कि ये यहां पे कुछ भी कर सकता है,
जो भी हमने इसे परमिशंस दी हैं वो ये काम कर सकता है। तो परफेक्ट हो गया, यानी मैं एडी सर्वर के थ्रू जो मेरे जितने भी यूजर हैं, जो मेरे विंडो सर्वर में पड़े हुए हैं, वो AWS पे जाके काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत एडवांस लैब है। तो आई होप आपको ये लैब समझ आ गई होगी। इसके बाद आप साइन आउट करें और जो जो रिसोर्सेज आपने बनाए हैं उन्हें डिलीट करना ना भूलें, कनेक्टर को डिलीट करना ना भूलें। कनेक्टर को डिलीट करने से पहले बेटर होगा कि आप उसके जो रोल हैं उन्हें डिटैच कर दें, रोल में से यूजर को डिलीट कर दें। जैसे आपने यहाँ यूजर बनाए हैं, इन्हें आप पहले डिलीट करें, इस रोल के अंदर से जाके इन्हें डिलीट करें, रिमूव करें। उसके बाद आप रोल को डिलीट करें और रोल को डिलीट करने के बाद आप अपने कनेक्टर को डिलीट करें और फिर अपने फाइनली सर्वर को डिलीट करें। तो ये सारी चीजें आप डिलीट कर दें। तो आई होप लैब आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं वापस अपने बोर्ड की तरफ। चलिए यार, आई होप आपको लैब समझ आ गई होगी, कोई मसला नहीं हुआ होगा, आपने इजीली लैब को कर लिया होगा। और अब बात को खूबसूरत शेर के साथ आज गुलजार साहब की आपको खूबसूरत नज़म सुनाता हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। ना समंदर निगल सका है इसको, ना तवारीख तोड़ पाई है। तवारीख मतलब तारीखें, हिस्ट्री। वक्त की हथेली पर बहता आदमी बुलबुला है पानी का। तो यार ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, आपको कोई तोड़ नहीं सका, आपकी हिम्मत ही सब कुछ है। और हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, आपने भी सुना होगा कई सारी फिल्मों के ये मशहूर डायलॉग है। तो हमें हमारी मदद खुद करनी है, कोई और नहीं आएगा। और बड़ी सारी मोहब्बतें आपकी मिल रही हैं, आप कमेंट भी करते हैं वीडियो के आते ही, मुझे बेहद अच्छा लगता है। आप सबके नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है मेरे लिए, बट फिर भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे वीडियो के आते ही लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, मुझे इवन बताते भी हैं। और मैं उन्हें पर्सनली वहां पे जो लाइक कमेंट या लव कमेंट होता है वो मैं ही देता हूं जनरली। कई बार मैं जितना एक्सेस करता हूं तो वहां पे मैं ही देता हूं, मेल का रिप्लाई मैं नहीं देता या फेसबुक या अपने फेसबुक पेज पे मैं रिप्लाई नहीं देता। बट क्योंकि वहां पे दूसरे लोग उसको एक्सेस करके कभी कभार वो रिप्लाई करते हैं, मेरी टीम है वहां पे वो रिप्लाई करती है, पर जो मेरा चैनल है उसके कमेंट्स को जनरली मैं ही लाइक या लव करता हूँ। वहाँ पे जो मेरा वो जो हार्ट वाला होता है ना, जो छोटा दिल होता है, वो मैं आपके लिए भेजता हूँ। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है। और ऐसे ही बस अपनी मोहब्बत बनाए रखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे उन्हें बताएं, और लिंक्डइन पे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं वो मुझे रिकमेंड करें, लिंक्डइन पे भी मेरे बारे में बताएं, रिकमेंड करें कि हाँ इस चैनल को आप देखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं अगर आपको अच्छा लगता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए यार, और मिलते हैं जल्दी किसी और नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।